प्रधानमंत्री जी का विजन है कि सब उड़ें सब जुड़ें, और इस विजन को इस मंत्रालय ने बहुत सफलता से अमल किया है। पिछले 4 सालों में जो पैसेंजर ट्रिप्स हमारे देश के 10 करोड़ हुआ करते थे और जिनमें 2-3 साल यूपीए सरकार के दौरान कोई वृद्धि नहीं हुई थी, कोई ग्रोथ नहीं हुआ था, उन पैसेंजर ट्रिप्स को हम लोगों ने 10 करोड़ से दुगना करके हम लोगों ने 20 करोड़ 4 साल में करके दिखाया। आज के समय जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं वो दुनिया के सबसे बेहतर एयरपोर्ट्स में से हैं, और कुछ तो एयरपोर्ट्स ऐसे भी हैं वो बेहतर तो नहीं, मतलब क्वालिटी भी बढ़िया है, लेकिन अगर उनको सौंदर्य के नज़रिए से देखें, आर्ट कल्चर जो हमारा हेरिटेज है उस नज़रिए से देखें, तो वहाँ भी बहुत लोग उनको मानते हैं। और हम लोगों ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन अपने टर्मिनल और एयरपोर्ट डिज़ाइन में लाया है, जहाँ हम लोगों ने निर्देश दिया है कि जो सब टर्मिनल और उनके डिज़ाइन आगे के होंगे वो जो स्थानीय कला है, जो स्थानीय संस्कृति है, उसको वो प्रदर्शित करें, उनको वो बहुत सुंदर तरीके से पेश करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पे उड़ें, और उड़ान उड़े देश के आम नागरिक जो हमारी योजना रही है उसके कारण ये सपना भी साकार किया जा रहा है। उड़ान के द्वारा 32 एयरपोर्ट हैं जहाँ चाहे कोई जहाज नहीं जाता था या इक्का बुक्का जहाज जाया करते थे, आज वो 32 एयरपोर्ट हमारे एविएशन नेटवर्क से जुड़ चुके हैं, और बड़े बड़े शहर जैसे कानपुर जमशेदपुर ऐसे ऐसे शहर भी अब एविएशन नेटवर्क में जुड़ते चले जा रहे हैं। और हम लोगों का विश्वास है कि जो हमारा 100th एयरपोर्ट होने वाला है वो पाक्योंग सिक्किम होने वाला है, इसको हम लोग जल्द ही इसको आरम्भ करने वाले हैं, और इसके द्वारा हम लोग जैसे मैंने कहा 32 और एयरपोर्ट हम लोग अब अपने एविएशन नेटवर्क में उड़ान के तहत हम लोग जोड़ने वाले हैं। एयर इंडिया का पिछले कुछ सालों में जो ऑपरेटिंग टर्नअराउंड रहा है वो बहुत ही अद्भुत टर्नअराउंड रहा है, और वो सिर्फ फ्यूल प्राइसेस के कारण नहीं रहा है। अगर आप ऑपरेटिंग पैरामीटर्स उनके देखें, लोड फैक्टर देखें, ऑन टाइम परफॉर्मेंस देखें, फ्लाइट प्लेन यूटिलाइजेशन देखें, इन सब आंकड़ों में आज के समय एयर इंडिया जो है वो इंडस्ट्री के जो कंपेटिटर्स हैं उनके बराबर हो चुका है। कार्गो पॉलिसी में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। हम लोगों ने बहुत स्ट्रीमलाइनिंग कर दी है, कार्गो ड्वेल टाइम्स 30-40% घट चुके हैं, और कार्गो में जो ग्रोथ रेट जो पहले बिल्कुल नहीं हो रहा था पिछले कुछ सालों में 10% ग्रोथ रेट हुआ है। तो इस प्रकार से अगर आप विमानन क्षेत्र में देखें, जो अद्भुत गति से अद्भुत रफ्तार से जो पैसेंजर ट्रिप्स बढ़े हैं, कार्गो बढ़ा है, पैसेंजर क्वालिटी बढ़ा है, मैं समझता हूँ हमारी सरकार के लिए और देश के लिए एक बहुत सफलता है।